हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सरफ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं। जी हां, आज हम बताने वाले हैं 8 किलोवाट का अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हो, जो कि ये आपको क्या क्या मिलेगा, कितने क्वांटिटी में मिलेगा वो बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पैनल कितने वाट का मिलेगा, कितना पैनल लगाना होगा, कनेक्शन कैसा होगा, बैटरी कितने एम्पेयर का, नंबर ऑफ बैटरी कितना होगा, उसका कनेक्शन कैसा, स्ट्रक्चर कितने का, इन्वर्टर कितने या केवी या फिर किलोवाट का, प्राइस कितना पड़ेगा, एरिया कितना रिक्वायर होगा सोलर सिस्टम लगाने के, क्या क्या एसेसरीज मिलने वाला है, वो सारा डेटा लेने वाले हैं। और साथ में सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सारा डेटा मैं बताने वाला हूँ आपको आज के वीडियो में, जो कि 8 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम होगा। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है सिर्फ सोलर सिस्टम का, जो कि स्पेशली 1 किलोवाट से लेके 8 किलोवाट तक का वीडियो रहेगा, जिसमें ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड या फिर पावर बैकअप, इस सब का सेपरेट सेपरेट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। आज हम जानेंगे 8 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सोलर प्लांट जो है, सोलर प्लांट कितने किलोवाट का लगेगा, तो 8 किलोवाट का लगेगा। और इसमें लगने वाला सोलर पैनल जो होगा, तो एक पैनल कितने वाट का होगा, तो हम कितने भी वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन इस अमाउंट में अगर हम पैनल लगाते हैं जो कि 335 वाट का पैनल है, तो देन सभी सही अमाउंट में जो है 8 किलोवाट पूरा हो जाएगा। और ये बात करूँ मैं कि छोटा पैनल का 200 वाट का पैनल लगाएंगे तब भी 8 किलोवाट पूरा होगा एग्जैक्ट, लेकिन तब क्या होगा, छोटा पैनल ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन बड़ा पैनल थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा पैनल लिया है जो कि 335 वाट का एक सिंगल पैनल है। अब बात कर रहे हैं कि कितना पैनल हमें इसे लगाना पड़ेगा 8 किलोवाट के लिए, तो हमें 24 पैनल को लगाना पड़ेगा। अब इस 24 पैनल में कौन सा कनेक्शन करना होगा, तो हमें सीरीज भी करना होगा और पैरेलल भी करना होगा। जी हाँ, इस पर सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ जाएगा, वो इसलिए जो भी इन्वर्टर इस पर लगेगा सारा हम सीरीज नहीं जोड़ सकते हैं या फिर सारा पैरेलल नहीं जोड़ सकते, तो हमें सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे। जी हाँ, इन्वर्टर के इनपुट पे किस कंपनी का इन्वर्टर ले रहे हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के इन्वर्टर पे इनपुट जो होता है वोल्टेज कुछ और होता है, किसी का वोल्टेज कुछ और होता है, मतलब किसी का करंट ज़्यादा, किसी का वोल्टेज कम, किसी का वोल्टेज मतलब डिफरेंट होता है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर के इनपुट में देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीरीज या पैरेलल करना पड़ सकता है। लेकिन इतना तो है कन्फर्म कि दोनों चीज़ आपको करना पड़ेगा, पैरेलल भी करना पड़ेगा और सीरीज भी करना पड़ेगा। अब चलिए ये देखते हैं कि इसमें लगने वाला स्ट्रक्चर होगा, जाहिर सी बात है सोलर पैनल लगेगा तो वो किसी स्ट्रक्चर पे लगेगा ताकि अच्छे से वो होल्ड रहे। तो 8 किलोवाट का स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, तो उसमें जो होल होता है जहाँ पे नट बोल्ट हम टाइट करते हैं, तो वो होल डिपेंड करता है पैनल के होल पे। जी हाँ, आप जिस साइज का पैनल लोगे उसी साइज का ही स्ट्रक्चर लेना होता है, ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रक्चर कहीं और से लिया उसे पता ही नहीं है कि आपने कौन से साइज का पैनल लिया है और दोनों का होल मैच ही नहीं कर रहा है, तब देन पैनल उस पर नहीं लग पाएगा। इसलिए आपको पहले पैनल सेलेक्ट करना होगा, पैनल के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर सेलेक्ट होता है, उसमें देखा जाता है कि कहाँ पे होल है, उसी होल के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर में होल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लगने वाला जो इन्वर्टर होगा, जाहिर सी बात है हाइब्रिड इन्वर्टर है, और ये हाइब्रिड इन्वर्टर जो है 10 केवीए का होगा। यहाँ मैंने 10 किलोवाट नहीं लिखा है, 10 केवीए लिखा है। 10 किलोवाट और 10 केवीए दोनों में फ़र्क है। अब केवीए से किलोवाट कैसे चेंज करते हैं या फिर किलोवाट से केवीए कैसे चेंज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है कन्वर्जन का, चाहे वो एम्पेयर से वीए में हो, एम्पेयर से वाट में हो, या VA से वाट में हो, या HP से वाट में हो, तो ऐसा कन्वर्जन का बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो फिलहाल आप ये समझो कि आपको 8 किलोवाट के लिए 10 KVA का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बैटरी कितना लगेगा, तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम में तो इसमें बैटरी भी लगेगा। जी हाँ, इसमें मिक्स होता है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का मिक्सचर जो होता है वही हाइब्रिड कहलाता है। इसमें बैटरी भी लगेगा और बैटरी का नंबर जो है मतलब 10 बैटरी इसमें लगेंगे, और 10 बैटरी इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों करेगा करना पड़ेगा आपको, जिस तरह पैनल में था ना सीरीज और पैरेलल दोनों, उसी तरह इसमें भी आपको सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे। जी हाँ, सब कुछ जो डिपेंड करता है ना इन्वर्टर के इनपुट पे ही डिपेंड करता है। अब इन्वर्टर के इनपुट मतलब क्या, जैसे कि आप बैटरी जहाँ कनेक्ट करोगे ना इन्वर्टर पे, तो वो इन्वर्टर कितना वोल्ट सपोर्ट कर रहा है ये देखने वाली बात है। क्योंकि कुछ इन्वर्टर होते हैं, जैसे कि मान लो 1500 वाट का कोई इन्वर्टर है, तो कुछ इन्वर्टर दो बैटरी सपोर्ट करता है मतलब 24 वोल्ट,
कुछ इन्वर्टर सिंगल बैटरी में भी काम करता है। तो आपको पहले इन्वर्टर के इनपुट में देखना होगा कितना वोल्ट दिया गया है, डीसी डीवी। अब डीसी जंक्शन बॉक्स इसी में होगा, डीसी एमसीबी, डीसी फ्यूज, डीसी एसपीडी, सारा कुछ जो होगा डीसी वाला इसी जंक्शन बॉक्स में होगा। तो एक जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा जो कि सारा वायर को, जितने वायर होंगे देखते हो कितना पैनल है, 24 पैनल है, सबका जो कनेक्शन करके जहां असेंबल होगा जिस जंक्शन बॉक्स में, उसी जंक्शन बॉक्स में ही हम सब कुछ लगाएंगे, डीसी एसपीडी, डीसी एमसीबी वगैरह, ठीक है। तो ये नंबर उसका एक है। तो यहां पे एसी जंक्शन बॉक्स में एसी एसपीडी, एसी एमसीबी, एसी फ्यूज वगैरह इसमें लगेगा, एसी जंक्शन बॉक्स में, जो कि इन्वर्टर के बाद लगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं डीसी केबल लगेगा। तो डीसी केबल का जो लेंथ है वो 90 मीटर के आसपास रखा गया है। यहाँ 90 मीटर के आसपास इसलिए क्योंकि बहुत सारा पैनल है, देख रहे हो 24 पैनल है, तो सबको कनेक्ट करना है, फिर एक स्ट्रिंग वायर बनाना है, मतलब मेन वायर बनाना है, उस मेन वायर से आपको इन्वर्टर तक पहुँचाना है, तो मतलब लंबा वायर चाहिए होता है, इसलिए हमने 90 मीटर का वायर इसमें दिया है। अब एसी वायर थोड़ा कम लगेगा, तो एसी वायर हमने दिया है 60 मीटर का, क्योंकि एसी वायर जो है इन्वर्टर के बाद का है, तो जहां हम ग्रिड में कनेक्शन करें या फिर घर में सप्लाई दें तो हमें ज़्यादा लंबा वायर नहीं चाहिए, इसलिए डीसी के मुकाबले कम वायर चाहिए होता है एसी वायर में। अब बात करते हैं कितना एरिया चाहिए होगा 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए। अगर आपके पास 700 स्क्वायर फीट एरिया है, स्क्वायर फीट देन सफिशियंट है, इतना एरिया में आप 8 किलोवाट जो है सोलर सिस्टम आसानी से लगा सकते हो। और ये जो एरिया है शैडो फ्री एरिया है, ये भी आप ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि आपके पास पूरा छत हो जहाँ पे आप लगाओगे रूफ, और उस रूफ में टोटल एरिया ही है आपके पास 700 स्क्वायर फीट, ठीक है। और उस पर कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कि शैडो आता है दिन में कभी भी, या फिर बिल्डिंग का, पेड़ का, या बाउंड्री वॉल का, किसी चीज़ का शैडो आता है, तो वो एरिया काउंट नहीं करना है, वो एरिया छोड़ के देन जो एरिया है 700 स्क्वायर फीट, ये वो चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें इसमें बहुत सारा एसेसरीज मिलने वाला है, एसेसरीज इन द सेंस आपको मिलेगा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फ्यूज़ है, करंपिंग टूल्स है, नट बोल्ट है, अर्थिंग किट है, एलए वगैरह, ये बहुत सारा चीज़ इसमें मिलेगा आपको इसी सोलर सिस्टम में। जो भी चीज़ हम लगा रहे हैं इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा वो 7,20,000 के आसपास मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। इसका मतलब ये जो है फ्लक्चुएटेड है, मतलब कुछ ऊपर और कुछ नीचे हो सकता है, हो सकता है कि आपको 7 लाख में मिल जाए, या हो सकता है 6.5 लाख में मिल जाए, या हो सकता है 8 लाख पड़ जाए। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी पे, आप जिस कंपनी से लगा रहे हो तो वो कंपनी आपको कितना कॉस्ट में दे रही है, किस तरह का मटेरियल दे रही है, किस कंपनी का दे रही है, ये सारा डिपेंड करेगा, इसीलिए ये प्राइस जो है फिक्स नहीं है। अब मान लो कि आपने यहाँ पे देखो 10 बैटरी लगाया है, तो 10 बैटरी में से हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे कंपनी का बैटरी लगाया हो और ज़्यादा एम्पेयर का लगाया हो, तो कॉस्ट तो उसका बढ़ेगा ना। तो उसी तरह यहाँ मान लो पैनल है, तो पैनल अच्छे कंपनी का लगाया हो और अच्छे ब्रांड का, मतलब अच्छे ए ग्रेड का लगाया हो, कॉस्ट बढ़ेगा। आपने मीडियम क्वालिटी का कोई कंपनी है उसका लगाए हो तो कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, ये सारा जो प्रोडक्ट है ना यही डिपेंड करेगा प्राइस पे। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे कंपनी ऐसे मिल जाएंगी जो कि आपको बोलेगी कि हम तो 6.5 लाख में, 6 लाख में आपको लगा के दे देंगे 8 किलोवाट। तो लगा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उस पर आपको घपला करेगा, मतलब आपको बी ग्रेड का हो सकता है पैनल दे दे, या फिर कोई ऐसा कंपनी का पैनल ना दे जो कि थोड़ा कॉस्टली हो, सस्ता वाला पैनल दे दे, या बैटरी जो है कम एम्पेयर का दे दे। तो ये सारा चीज़ तो करेगा ही, साथ में स्ट्रक्चर पे भी घपला कर सकता है, क्योंकि आपको प्रॉपर GI का स्ट्रक्चर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहीं लोहा बोल के तो लोहा दे दिया, बोल रहा है कि GI का है। तो ये सारा चीज़ भी होता है सोलर सिस्टम में। तो आपको जहाँ भी लेना है ये, अगर अच्छे ग्रेड का, ए ग्रेड का सब कुछ ले रहे हो, अच्छे क्वालिटी का ले रहे हो, देन आपको 7,20,000 के आसपास कॉस्ट पड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि ये 1 किलोवाट जो सोलर सिस्टम है तो पर डे कितना एनर्जी जनरेट करके देगा आपको। तो मिनिमम 32 यूनिट तो देगा ही देगा। अगर आप कैसे भी सोलर सिस्टम लगा दो, अच्छे से साइड सर्वे करके नहीं भी लगाए हो ना, प्रॉपर धूप पर रहा है लेकिन आपने सही एंगल नहीं दिया, तब भी 8 किलोवाट तो मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से साइड सर्वे करके प्रॉपर एंगल में, प्रॉपर डायरेक्शन में सब कुछ लगाए हो, सोलर सिस्टम लगाए हो, सोलर पैनल लगाए हो, देन आपका जनरेशन जो है वो 32 से नहीं 35 40 तक पहुंच सकता है। जी हाँ, अब जो है ऐसे ऐसे पैनल आने लगे हैं जो कि 40 तक आपको पर डे मिल सकता है आसानी से। तो ऐसे भी आ गए, मिनिमम मैंने दिया 32 यूनिट पर डे मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि आपको वारंटी कितना मिलने वाला है और किस किस चीज़ें मिलने वाला है। तो होल सोलर सिस्टम में जो वारंटी मिलेगा आपको 5 साल, इस 5 साल का मतलब होल सोलर सिस्टम मतलब क्या,
अब यहाँ इसका मतलब है आपका पैनल स्ट्रक्चर, बैटरी, वायर, सब कुछ का वारंटी जो है वो 5 साल का मिलेगा, लेकिन सिर्फ स्पेशली सोलर पैनल पे 25 साल का वारंटी मिल जाता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे किसी भी कंपनी से आप लगवा रहे हो, सब ये चीज़ तो देता ही देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेट मीटर इसमें लगेगा क्योंकि ऑन ग्रिड में नेट मीटर लगता है, तो हाइब्रिड में भी नेट मीटर लगेगा। अब हाइब्रिड मैंने बता ही दिया था आपको कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का मिक्सचर है, मतलब ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों इसमें होता है, तो ऑन ग्रिड में लग रहा है तो हाइब्रिड में भी नेट मीटर लगेगा। अब जाहिर सी बात है, नेट मीटर लग रहा है तो सब्सिडी भी आपको मिलेगा। सब्सिडी कितना मिलेगा? सब्सिडी आपको 20% के आसपास मिल जाएगा, वो भी बेंच मार्क पे। अब बेंच मार्क पे मतलब क्या हुआ? तो जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो, उसका कॉस्ट है 60 रुपया, ठीक है, तो 60 रुपये का 20% जो होगा उसका सब्सिडी मिलेगा। समझ में आ गया होगा? जैसे मान लो सोलर सिस्टम आप लगवा रहे हो, उसका आपको दाम पड़ा 1 लाख, तो आपको 20,000 जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा, सब्सिडी मिलेगी आपको 20,000। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है 8 किलोवाट सोलर सिस्टम में। 1 किलोवाट से लेकर आपको 6 किलोवाट तक का सारा वीडियो मिल जाएगा, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, पावर बैकअप का सेपरेट मिल जाएगा। ये तो सिर्फ सोलर सिस्टम का बताया हूँ, इस चैनल पे बहुत सारे सोलर से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि चैनल ही सोलर का है। तो अब भी आप कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, या फिर कुछ टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।